स्टूडेंट, टुडे वी सी द टू टॉपिक्स. फर्स्ट इज डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट डिलेड एजीसी एंड सेकेंड पॉइंट इट इज कंपेयर सिंपल एंड डिलेड एजीसी. ओके, सो सी द फर्स्ट, दैट इज डिले एजीसी सर्किट. दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर डिले एजीसी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल we see the detailed description about delay AGC. So see the first point, this is the diagram. Okay, in this is the last IF amplifier. This portion is the practical diode detector. Okay, this portion is the practical diode detector, and in this it is AGC output is there. Again diode detector diode will be used, then AGC diode also used, then adjust delay, then two last IF amplifier will be used. Then we see the one by one point description. First point, AGC bias is not applied until the input signal reaches the point B. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट बी जो है एजीसी कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाया है. जो भी ग्राफ दिखाया था मैंने एजीसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, उसमें दिखाया है पॉइंट बी. ओके, सो इसमें क्या होता है, एजीसी बायस इज नॉट अप्लाइड अंटिल द इनपुट सिग्नल रीचेज द पॉइंट बी. ओके, जब तक कि पॉइंट बी तक क्या होगा, इनपुट सिग्नल पहुँचेगा नहीं, ओके, तब तक हम लोग जो है एजीसी बायस अप्लाइड नहीं कर सकते. ओके, अभी ये जो पॉइंट बी है, हम लोगों ने जो है एजीसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रीवियस लेक्चर में देखा है, वहाँ पे दिखाया था पॉइंट बी कहाँ पे है. ओके, देन सी आफ्टर दिस पॉइंट बी एजीसी बायस इज अप्लाइड. ये जो पॉइंट बी है उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, एजीसी बायस अप्लाइड कर सकते हैं. देन सी इट इज़ यूज्ड इन हाई क्वालिटी रिसीवर लाइक कम्युनिकेशन रिसीवर. ओके, ये जो है हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो भी हाई क्वालिटी रिसीवर है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन रिसीवर, वहाँ पे हम लोग डिले एजीसी यूज़ कर सकते हैं. ओके, देन सी ऑपरेशन ऑफ डिले एजीसी. डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द कैथोड ऑफ एजीसी डायोड D2. ओके, जो भी एजीसी डायोड यहाँ पे यूज़ किया है हम लोगों ने, जो कि है D2, उसको हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, DC वोल्टेज. ओके, अभी ये जो D2 है यहाँ पे दिया है, देखो ये जो D2 है उसको हम लोग DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे. ओके, देन सेकेंड पॉइंट है द एनोड ऑफ दिस डायोड इज कनेक्टेड टू द कपलिंग कैपेसिटर. अभी ये जो एनोड है इसका डायोड का जो एनोड है, ये कनेक्टेड है कपलिंग कैपेसिटर, दैट इज CC. देन R3 और जो C3 है, ये जो पोर्शन है R3 और C3 इज़ अ फिल्टर विच फिल्टर आउट हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल. ओके, ये क्या करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल फिल्टर आउट करने का काम करेंगे R3 और C3. देन इफ द इनपुट सिग्नल इज वीक, देन द डायोड इज रिवर्स बायस एंड रिमेन्स ऑफ. यहाँ पे अगर इनपुट सिग्नल क्या होगा, वीक सिग्नल रहा, तो डायोड क्या रहेगा, डायोड रिवर्स बायस होगा. ओके, डायोड रिवर्स बायस होगा और रिमेन ऑफ रहेगा. ओके, देन सी सो द AGC आउटपुट इज ज़ीरो. उसके वजह से क्या होगा, जो भी आउटपुट है अपना AGC आउटपुट, यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. कब, जब इनपुट सिग्नल कब क्या रहेगा, वीक सिग्नल रहेगा तब. ओके, देन सी बट इफ़ द इनपुट सिग्नल इज स्ट्रांग द AGC डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड. ओके, अगर इनपुट सिग्नल क्या रहेगा, इसका स्ट्रांग सिग्नल रहेगा, तो क्या होगा, आपका जो डायोड है वो क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा, मीन्स ऑन स्टेट रहेगा. ओके, ये जो डायोड है, देन द डिले एजीसी सर्किट
does not reduce the gain for weak signal but reduce the gain for strong signal. ओके उसके वजह से क्या हो आपने सीखा इसपे से कि जो भी डिले एजीसी सर्किट है उसका जो गेन है वो कब रिड्यूस नहीं होगा, जब वो वीक सिग्नल रहेगा इनपुट में, और अगर इनपुट में स्ट्रांग सिग्नल रहेगा तो उसका जो गेन है ओके वो क्या होगा, रिड्यूस होगा. ओके सो इन दिस वे दिस इज द पॉइंट्स वी स्टडी. सी दिस वन द पॉइंट्स R3C3 इनपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल इज वीक और स्ट्रांग. ओके सो अगर क्या रहेगा वो इनपुट सिग्नल, अगर क्या रहेगा इनपुट सिग्नल अगर स्ट्रांग रहेगा तो क्या होगा आपका जो गेन है, गेन क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा. और इनपुट सिग्नल अगर क्या रहेगा, वीक रहेगा, तो गेन क्या होगा, रिड्यूस नहीं होगा, नॉट रिड्यूस्ड. ओके सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. देन वी सी द नेक्स्ट, दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिलेड एजीसी. दिस इज द एडवांटेजेस, दैट इज फर्स्ट इज गेन इज नॉट रिड्यूस फॉर द वीक सिग्नल. जो भी वीक सिग्नल रहेगा तो गेन रिड्यूस नहीं होगा. देन गेन इज रिड्यूस ओनली फॉर द स्ट्रांग सिग्नल, ऑलरेडी देखा है हम लोगों ने. देन सी द नेक्स्ट, दैट इज द कंपेरिजन ऑफ सिंपल एजीसी एंड डिले एजीसी. सो सी द फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, दैट इज सिंपल एजीसी इज द सिस्टम विच विल चेंज ओवरऑल गेन ऑफ द रिसीवर ऑटोमेटिकली. ओके सिंपल एजीसी में क्या होता है, ये ऐसी सिस्टम है कि जिसमें ओवरऑल गेन जो है रिसीवर का ऑटोमेटिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं. देन डिले एजीसी सर्किट डज नॉट रिड्यूस द वीक सिग्नल्स बट रिड्यूस द गेन ऑफ गेन ओनली फॉर द स्ट्रांग सिग्नल. ओके अभी जो डिले एजीसी सर्किट है उसमें हम लोग वीक सिग्नल का गेन रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, स्ट्रांग सिग्नल का गेन रिड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड जो देखो कंपेरिजन का पॉइंट एडवांटेज है सिंपल एजीसी में सिंप्लिसिटी और लो कॉस्ट, डिले एजीसी में एडवांटेज है हाई कॉस्ट. देन अप्लीकेशन देखिए सिंपल एजीसी का, द सिंपल एजीसी सर्किट इज़ यूज इन ऑल लो कॉस्ट डोमेस्टिक रेडियो रिसीवर, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है अप्लीकेशन. डिले एजीसी का अप्लीकेशन देखिए, इट इज़ यूज इन द हाई क्वालिटी रिसीवर लाइक अ कम्युनिकेशन रिसीवर. ओके इन दिस वे द टू पॉइंट्स विल बी कवर, दैट इज डिले डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट डिले एजीसी एंड कंपेरिजन ऑफ सिंपल एजीसी एंड डिले एजीसी. ओके थैंक यू.